हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप एवरीवन इज फाइन एट योर होम। तो चलो बेटा, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिंदी की क्लास में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हमने पार्ट 3 अच्छे से रीड कर लिया था, नादान दोस्त, ठीक है। इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ भी हो चुके हैं, तो आज की क्लास में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो आज करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। आई होप सबको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हमने चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो क्वेश्चन भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो वो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे कॉल करके क्लियर कर सकते हो, ओके बच्चो। बट डाउट नहीं हो, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज से। तो चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न उत्तर में, देखो बेटा, अपनी बुक ओपन करके रखना, साथ साथ उसमें प्रश्न जो मैं बताती जा रही हूँ वो देखते जाना। बुक जरूर ओपन रखो अपने साथ में। बुक ओपन करके आप पेज नंबर 19 पर आओ, पेज नंबर 19 पर। इसमें देखो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है कहानी से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडों के बारे में। केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अंडे थे उनके बारे में श्यामा और केशव के मन में क्या क्या सवाल उठ रहे थे, और वो अपने आप ही एक दूसरे को उसका सवाल जवाब करके तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो इसका उत्तर देखो बेटा क्या है। अंडों के बारे में केशव व श्यामा के मन में सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे। हमने चैप्टर में रीड किया था ना, वो सोच रहे थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, है ना, और भाई उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वो अंडे क्या खाते होंगे, जब अंडे निकल आएंगे बच्चे, जो अंडे में से बच्चे निकल आएंगे तो उनके पर पर मतलब पंख, तो पंख कैसे होंगे। तो इस तरह के सवाल जवाब उनके मन में जो है आते रहते थे। तो वो जो है केशव व श्यामा के मन में सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर कैसे होंगे, पर मीन्स पंख, ठीक है, उनके पर कैसे होंगे। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन मार्क जहां जहां हमने लगाया है ये प्रश्न चिन्ह, वो क्यों लगाया है, क्योंकि ये उनके मन में इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, ये प्रश्न है, तो इसलिए हमने इनके बाद में प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो ये सारे सवाल उनके मन में उठ रहे थे। अब आगे पूछा गया है कि वो आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो बेटा जैसा कि हमने पढ़ा था, वो अपने आप ही एक दूसरे से सवाल कर लेते थे, एक दूसरे को अपने आप ही जवाब दे देते थे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना समय नहीं था उनके इन सवालों का जवाब देने के लिए, ठीक है। उनकी माँ तो सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी, बिजी रहती थी, और उनके पिताजी जो है स्कूल के काम में बिजी रहते थे, ठीक है। तो इसलिए वे आपस में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली इसलिए दे दिया करते थे क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। माता पिता तो अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखो बेटा, सेकेंड हमारा आता है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, चिथड़े मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था फटे पुराने कपड़े। तो केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? कार्निस का मैंने आपको बताया था कि किसी भी खिड़की या दरवाजे में बाहर की तरफ एक शेल्फ टाइप का उसके ऊपर बना होता है, चाहे तो खिड़की है चाहे दरवाजा है, उसके ऊपर वो एक शेल्फ टाइप का बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्निस। तो इसमें है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे। तो इसमें देखो जैसा कि हमने पढ़ा था, उसने चिथड़े फटे पुराने कपड़े इसलिए मंगाए थे कि जब उन्होंने देखा कि अंडे जो है दो चार तीन के ऊपर ही पड़े हैं, घोंसला नहीं है वहां पर, तो उन्होंने उन अंडों की गद्दी बनाई और अंडों के लिए गद्दी बनाई और उनको उस पर रख दिया। दाना पानी इसलिए मंगाया ताकि चिड़िया को या अंडे को किसी चीज की परेशानी और भूखे प्यासे न रह सके। और टोकरी इसलिए मंगाई कि वो बाहर की तरफ होता है कार्निस, तो वहां पर धूप आती है, तो इसलिए उस टोकरी से उन पर छाया करने के लिए, ताकि उनको धूप न लगे, इसलिए उस टोकरी को मंगवाया।
तो इसमें देखो, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी तथा दाना पानी मंगाकर कारनिस पर इसलिए रखे थे ताकि चिड़िया व अंडे आराम से रह सके, ठीक है, वे भूखे प्यासे न रहे और टोकरी की छाया में धूप से बचे रहे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। हाँ, ये क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि भाई उन्होंने सारा काम करके चिड़िया और अंडों के लिए, बाद में क्या होता है वो अंडे नीचे गिरकर जो है फूट जाते हैं, तो फिर क्या होता है। अब उसी बात पर ये क्वेश्चन आया है हमारा कि उन्होंने उन अंडों को जो है, उन अंडों को श्यामा ने जो है उन अंडों के लिए वो जो फूट गए, तो ये उनकी जो है रक्षा करने के लिए उन्होंने अंडों का सब कुछ किया, बाद में वो क्या है फूट जाते हैं। तब ये क्वेश्चन बना कि भाई उन्होंने उनकी रक्षा की या ये नादानी की कि वो अंडे क्यों फूट गए। तो उसमें क्या आ रहा है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाए वे हिसाब से तो सही थे, भाई उन्होंने तो अपनी तरफ से उनको सेफ करने के लिए सब कुछ किया था। अब उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग वो जो 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 स्टेप्स उठाए उन अंडों को सेफ रखने के लिए वो उनके गलत नहीं थे। तो उसमें कहा गया जो कदम उठाए वे हिसाब से तो सही थे, लेकिन चिड़िया को नहीं जानते थे, लेकिन वे चिड़िया को नहीं जानते थे कि जब उनके अंडों को कोई छू देता है तो फिर वो उनको सेती नहीं है, फिर वो उनको गिरा देती है। तो इस चीज का उन बच्चों को नहीं पता था, वे तो सिर्फ उनको सुरक्षित करने के लिए सभी चीजें कर रहे थे। तो रक्षा करने के लिए जो कदम उठाए वे हिसाब से तो सही थे, लेकिन वे चिड़िया को नहीं जानते थे, इसलिए उनकी रक्षा ने नादानी का रूप ले लिया। इसलिए जो वो रक्षा तो करना चाहते लेकिन रक्षा ने आकर क्या हुआ, एक नादानी में बदल गई, ठीक है। ये थे पेज नंबर 19 के हमारे 3 क्वेश्चन। अब पेज नंबर 20 पर आओ, कहानी से आगे जो लिखा हुआ है उसमें देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया, ये वाला क्वेश्चन, ये सेम वही है जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कट कर देंगे, उसमें भी सेम वही आंसर आ रहा है, और जो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें भी वही आ रहा है। तो उस पेज नंबर 20 वाले फर्स्ट क्वेश्चन को हम कट कर देंगे, ओके। अब जो है सेकंड पर आओ, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ यानी कि दरवाजा क्यों नहीं, किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। माँ के सोते कि माँ ने जब उनको दोपहर के समय कि भाई तुम, मैं रेस्ट कर रही हूँ तुम भी सो जाओ थोड़ी देर, लेकिन जब माँ की आंख लग गई तो वो दोनों निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि माँ के सोते केशव और श्यामा दोनों बाहर क्यों निकल आए थे, उनके दिमाग में तो वो अंडे ही चल रहे थे, उनको देखने के लिए बाहर निकले थे। तो देखो बेटा, माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों को देखने के लिए बाहर निकल आए। माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों को देखने के लिए बाहर निकल आए। उसके बाद आगे पूछा गया है कि माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि हम अंडों के बारे में बताएंगे, हम जो कारण बताएंगे कि हम ऊपर चढ़े, हम ऐसे ऐसे हमने अंडे देखे, तो ये सारी बातें जब हम माँ को बताएंगे तो माँ हमें डांटेगी, उनको डांट खाने का डर था। तो इसमें यदि वे माँ को बाहर निकलने का कारण बताते तो उन्हें डांट खानी पड़ती, इसलिए उन्होंने कारण नहीं बताया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो प्रेमचंद जी ने तो इसका नाम रखा नादान दोस्त, और इसका अगर हम अपनी तरफ से रखना चाहें तो हमारी तरफ से इसका एक शीर्षक और भी हो सकता है, बचपन की नादानियां, कि भाई बचपन जो था वो उन्होंने अपनी नादानी की, तो इसका वो शीर्षक भी सही हो सकता है, बचपन की नादानियां। तो पार्ट 3 के हमारे ये सभी प्रश्न उत्तर थे, बहुत इजी हैं, कोई इनमें मुश्किल वाली बात नहीं है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।